यही सेंटर है, ये जो बिल्डिंग है यही सेंटर है। वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है वो एग्ज़ाम ब्लॉग, आज मेरा एग्ज़ाम है FCI AZ3 का एग्ज़ाम, जिसे मैं देने जा रहा हूँ। और मेरा जो सेंटर दिया है वो है आपका टाटी सीलवे खेलगांव रोड पे दिया हुआ है सेंटर, और मैं वही देने जा रहा हूँ। और अभी टाइम जो है 3:05 और 3:30 में रिपोर्टिंग है, काफ़ी लेट हो गया है मेरा। और बीच में जो फ्लाई ओवर बन रहा है कांटा टोली का, उसी के कारण दूसरे रास्ते से मुझे जाना पड़ा। और मैं अभी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, फूड कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम है आज मेरा, और मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर मेरा सेंटर है और मेरा एग्ज़ाम कैसा किया और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। एग्ज़ाम को एनालाइज करके मैं आपको बताऊँगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ और किस तरह का क्वेश्चन आ रही है ये एग्ज़ाम में। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दूरी है, ये देखिए चौक है, ये चौक जो है इस तरफ से आए है रांची साइड से, और इस साइड आपका टाटा रोड है, ये टाटा की तरफ जाता है। और इधर जो बायां किया है, बायां तरफ इधर ही मेरा सेंटर दिया हुआ है। अभी आगे आपको चल के दिखाते हैं, चलिए चलते हैं। टाइम हो गया है 3:30, रिपोर्टिंग टाइम हो चुका है। सेंटर पहुँच चुके हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, यहाँ पर एंट्री हो रही है। यही सेंटर है, ये जो बिल्डिंग है यही सेंटर है। अनाउंसमेंट भी हो रहा है जाने के लिए, अपना लैब नंबर देख के। ठीक है दोस्तों, अभी मिलते हैं एग्जाम के बाद, कैसा रहा एग्जाम ये सब पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो गया है, और एग्ज़ाम 1 घंटा का था, इसमें 100 क्वेश्चन था। काफ़ी लेट हो गया, इधर निकलते निकलते काफ़ी टाइम लगा हुआ है, इसके कारण मैं यहाँ पे नहीं एग्ज़ाम में फंसा हुआ था, तो लेट हो गया। और अटैम्प्ट नंबर आता है, उसमें से क्वेश्चन गलत भी होगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लगता है 75-80 जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और ओवरऑल एग्ज़ाम ठीक ही गया, और ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह का वीडियो आपको आगे भविष्य में मिलते रहे। ठीक है।